नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस ने दो लूटकांड का किया उद्भेदन, चार गिरफ्तार, हथियार और लूट का रुपया बरामद। बांका में वज्रपात की चपेट में आने से पटवन करने गए व्यक्ति की हुई मौत, दो घायल, हालत गंभीर। शाहजंगी में हुई सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक, 100 से अधिक अखाड़ों की व्यवस्था को लेकर उठे सवाल। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर शहर की सड़कों पर दिखा कांवरिया का सैलाब, बोलबम किनारों से गूंजता रहा कांवरिया मार। और पति से हुए विवाद के बाद महिला ने सल्फास खाकर दी जान, अस्पताल में शव छोड़कर भागे परिजन। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पुलिस ने सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए लूटकांड की घटना का उद्भेदन कर दिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बीते 25 जुलाई की रात्रि प्रशस्त डी निवासी अभिषेक कुमार राय घोगा से अपने घर जा रहे थे, तभी पिटबन्ना वहियार से लहुरी नदी की तरफ आगे बढ़ते ही उस पर अचानक 6 की संख्या में अपराध कर्मियों ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए मोबाइल और 3,000 रुपया लूट कर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित द्वारा सबौर थाने में मामला दर्ज कराया गया। वहीं इसके बाद बीते 29 जुलाई की देर रात्रि मायगन अस्पताल से अपने चाचा फंटूस यादव को मोटरसाइकिल से अपने घर ले जा रहे अमडोर निवासी धीरेंद्र कुमार के साथ कुरपट पुल के समीप पत्थर लगा, सड़क जाम कर अपराधियों ने मारपीट की और हथियार के बल पर 6,000 कैश, 2 मोबाइल, आधार और पैन कार्ड लूट लिया। इसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए दोनों कांड का अनुसंधान किया। इसको लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि मामले में थानाध्यक्ष ने वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद से दोनों कांडों का खुलासा करने में सफलता पाई है। सिटी एसपी ने कहा कि दोनों लूटकांड में लूटे गए मोबाइल और एक देशी कट्टा के साथ घटना में संलिप्त 3 अपराध कर्मियों एवं मोबाइल खरीदार चंदन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराध कर्मियों में विकास कुमार, मुन्ना कुमार, गौरव कुमार और चंदन कुमार शामिल है। और दूसरी घटना 29 जुलाई को सबौर थाना अंतर्गत ही हुई थी। पहली घटना में 6 अपराध कर्मियों के द्वारा अभिषेक कुमार राय हैं, घोगा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो प्रशस्त्र डी जा रहे थे, उनको हथियार के बल पे 6 अपराध कर्मियों के द्वारा लूट लिया गया था, उनका मोबाइल और उनके पैसे लूटे गए थे। दूसरी घटना जो है 29 जुलाई को रात के 11 बजे, धीरेंद्र कुमार हैं वो मायागंज अस्पताल से आ रहे थे और कुरपट पुल है उससे 100 मीटर पीछे 3 से 4 की संख्या में अपराध कर्मियों ने देशी कट्ठा दिखाकर उनका मोबाइल, 2 मोबाइल था उनका, पर्स, आधार कार्ड और 6,000 रुपये लूट लिए थे। इस कांड के उद्भेदन के लिए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद से दोनों कांडों का उद्भेदन किया गया है। टोटल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों घटनाओं में जो लूटा हुआ मोबाइल था वो 3 मोबाइल बरामद किया गया है। इसके अलावा इनके पास एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है, संभवतः ये वही कट्टा है जिसके दम पे लूट की घटना की गई थी। बांका जिले के धौरैया प्रखंड अंतर्गत महिला विशनपुर पंचायत के सठियारी गांव स्थित वहियार में रविवार की दोपहर तेज बारिश के साथ हुए वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक की पहचान सठियारी गांव निवासी 47 वर्षीय शंकर यादव के रूप में हुई है, जबकि घायलों में सठियारी गांव के इस्तेकार और बेचैन सिंह शामिल है। बताया जा रहा है कि मृतक शंकर यादव द्वारा खेत में पटवन करने के वक्त हुई बारिश के साथ वज्रपात हो गया, जिससे 3 लोग वज्रपात की चपेट में आ गए, जिसमें से शंकर यादव की मौत हो गई। वहीं इसके बाद आनंद फानन में ग्रामीणों द्वारा 3 को धौरैया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने शंकर यादव को मृत घोषित कर दिया, जबकि चिकित्सकों द्वारा घायलों को प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायगन अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुहर्रम की तैयारियों को लेकर भागलपुर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक शाहजंगी ईदगाह मैदान में हुई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर मजहर अख्तर शकील ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर मजहर ने कहा कि भागलपुर शहाद विकास शहर है, इसलिए अमन शांति और सद्भाव को लेकर हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। बता दें कि मुहर्रम माह की शुरुआत रविवार से हो गई है, जबकि सावन महीना की तीसरी सोमवार सोमवार को है, इसलिए दोनों समुदाय के लोगों का सहयोग एक दूसरे के पर्व में अपेक्षित है। वहीं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की मीटिंग में विभिन्न मोहल्ले के खलीफा और कमेटी से जुड़े सदस्य उपस्थित हुए। इस दौरान खलीफाओं ने बताया कि कोविड के कारण
कारण 2 साल बाद मुहर्रम का अखाड़ा जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें काफ़ी भीड़ होने की संभावना है। कार्यकारी संयोजक वर्दी खान ने कहा कि जिला प्रशासन के साथ अब तक सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही थाना अनुमंडल और जिला स्तर पर बैठक कर प्रशासन का ध्यान समस्याओं की ओर आकृष्ट कराया जाएगा। बैठक में सही संयोजक प्रोफेसर एजाज अली रोज, महबूब आलम, मोहम्मद तकी अहमद जावेद, हिमायू भोला खान के अलावा कई लोगों ने साफ सफाई, बिजली, पानी, मेडिकल और अन्य समस्याओं पर अपनी अपनी बात रखी। जबकि मिंटू कलाकार मोहम्मद शाहिद, रिंकू और अन्नी खान ने अखाड़ा जुलूस का लाइसेंस तय समय निर्गत कराने पर जोर दिया। वहीं शिया वक्फ कमेटी के जिला सचिव सैयद जीजा हुसैन ने शांतिप्रिय एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण की परंपरा को बनाए रखते हुए मुहर्रम को आपसी तालमेल और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। सदस्यों ने सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों से अखाड़ा रूट और पैकर मार्ग के अलावा इमामबाड़ा के आसपास व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग की। तकी अहमद जावेद ने बताया कि साल भागलपुर में 100 से ज्यादा अखाड़ा जुलूस निशान के निकाला जाएगा। बैठक में मोहम्मद अली, सिकंदर जुम्मन अंसारी, सैफुल्ला अंसारी और जियाउल हक ने बैनर के साथ सभी मोहल्ले के खलीफा से अखाड़ा जुलूस निकालने का आग्रह किया। आज की बैठक मुहर्रम के अखाड़े को लेकर हो रही है। चूंकि 2 साल कोविड लेकर सही ढंग से मुहर्रम नहीं मनाया गया, इस बैठक का ख़ास उद्देश्य है शांति से मुहर्रम को मनाया जाए, ऐसा कोई कदम ना उठाए पैकर या अखाड़े के लोग जो दूसरे समुदाय के लोगों को दिल पर असर पड़े, चोट आया, तकलीफ हो। प्रशासन से भी ये इल्तिजा की जाएगी, प्रशासन से भी ये मांगा जाएगा कि आप बेहतर से बेहतर बिजली, पानी, सफाई में हर साल से बढ़कर इस साल इंतजाम करें। चूंकि आज मुहर्रम की पहली तारीख है और हम लोगों ने बैठक मुहर्रम सेंट्रल कमेटी का बैठाए हैं, प्रशासन के साथ अभी बैठक नहीं हुई है, चूंकि अभी तो आज से शुरू ही हुआ है और हमेशा 2-3 तारीख के बाद ही प्रशासन के साथ बैठक होती है। भागलपुर प्रपैती थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद की अध्यक्षता में की गई। बैठक में थानाध्यक्ष ने सभी लोगों को आपसी सौहार्द और भाईचारा के माहौल में त्यौहार मनाने की अपील करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान DJ के इस्तेमाल एवं हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि सभी को मेला एवं जुलूस के लिए लाइसेंस निर्गत करने के साथ रूट चार्ट और समय भी निर्धारित किया जाएगा। मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक अवधेश चौधरी, जिला परिषद सदस्य कैलाश यादव, विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता सहित शांति समिति के लोग और कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। भागलपुर में सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर तैयारी जोरों पर है। सभी श्रद्धालुओं एवं कांवरियों की सुविधाओं के लिए समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा कई पहल की गई है, जिसमें हिस्सा लेकर रविवार को वे खुद ही युवाओं के साथ मिलकर कांवरियों की सेवा में जुटे दिखे। कांवरियों को राह में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर सेवा की जा रही है, जिसका नजारा रविवार को भागलपुर के भोलानाथ पुल और आसपास में दिखाई दिया, जहाँ पैदल यात्रा कर रहे कांवरियों की सुगमता के लिए युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा सड़कों पर मैट बिछाया गया। बता दें कि भोलानाथ पुल बजरंगबली स्थान के पास से अलीगंज महेशपुर तक मैट लगवाया गया है, जिससे भोलानाथ को जलाभिषेक करने पैदल यात्रा कर जाने वाले कांवरियों को सहूलियत हो सके। वहीं इसको लेकर समाजसेवी विजय कुमार यादव ने कहा कि कांवरियों की सेवा पुण्य का काम है और पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को सड़कों पर चलने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए शहरी इलाके में करीब 3 किलोमीटर तक मैट बिछाने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर सेवा शिविर भी लगवाया गया है, जहाँ बोलबम जाने वाले कांवरियों को फल, जूस एवं दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। तो मैं लगातार करता हूं, पहले भी करता था, और ये सेवा जो इस बार जो अभी जो नगर निगम के तरफ से भुटको वगैरह का जो काम हो रहा है, रोड की खुदाई हो गई है, जिसके वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती थी इस बार कांवरिया को, जिसको लेते हुए पूरे शहरी क्षेत्र में हम त्रिमूर्ति चौक से लेकर अलीगंज चौक तक जो है करीब 3.5 से 4 किलोमीटर तक ये मैट का बिछाया गया है, जो कांवरिया को चलने में थोड़ा आसानी हो जाए और जगह जगह जो सेवा शिविर, जल, शरबत, फल की व्यवस्था मैं किया हूँ।
सावन के महीने में सुल्तानगंज गंगा घाट से जल लेकर देवघर बाबा धाम में भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। वहीं सावन की तीसरी सोमवारी पर डाक बम द्वारा जल चढ़ाने के लिए जाने वाले शिव भक्तों की सेवा को लेकर रविवार को जीरो माइल में नाथनगर के समाजसेवी पप्पू यादव की ओर से सेवा प्रदान की गई। इस दौरान पप्पू यादव ने कांवरियों को फल फूल और जूस देकर बोल बम का जयकारा लगाया। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि डाक बम कांवरिया की महत्ता काफी है और ये सभी कठिन साधना के बाद बाबा पर जलार्पण करते हैं, जबकि इस तरह से सेवा करने में अद्भुत अनुभूति होती है और कांवरियों का आशीर्वाद भी उन्हें मिल पाता है। साथ ही कहा कि वे कई वर्षों से डाक बम की सेवा करते आ रहे हैं। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर गांव की एक महिला ने पति से हुई कहासुनी में सल्फास खा लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान मुरारी शर्मा की पत्नी जयमाला देवी के रूप में हुई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि महिला के पति मुरारी शर्मा से शुक्रवार की शाम मृतका जयमाला देवी का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिससे आक्रोशित महिला ने घर में रखे फसल में डालने वाली सल्फास की गोली खा ली, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। वहीं इसके बाद आनंद में महिला की जेठानी एवं अन्य परिजनों ने उसे इलाज के लिए अमरपुर रेफर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान जयमाला देवी की मौत हो गई। इधर घटना को लेकर महिला की जेठानी सोनी देवी ने कहा कि खेत से काम कर जब वे लोग शुक्रवार की रात्रि अपने घर पहुंचे तो देखा कि घर में काफी भीड़ जमा थी, जिसके बाद देवरानी जयमाला देवी द्वारा पति से लड़ाई के बाद जहर खा लेने की जानकारी मिली। सोनी देवी ने बताया कि इसके बाद जयमाला को इलाज के लिए अमरपुर रेफर अस्पताल ले जाने पर इलाज के दौरान डॉक्टरों देवरानी को मृत घोषित कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि महिला की मौत के बाद उसके ससुराल पक्ष के लोग महिला का शव अस्पताल परिसर में छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टरों ने महिला के शव को एम्बुलेंस से सलेमपुर गांव पहुंचा दिया। घर सलेमपुर। ये क्या हुआ आपका? क्या नाम है इसका? जयमाला देवी। क्या हुआ इसके साथ? पति पत्नी में लड़ाई। तो? हम लोग घर में नहीं थे, न ससुर था न सास, कोई नहीं था घर में, बस सिर्फ यही दोनों और बाल, इसका बाल बच्चा बस। खेत से आए तो देखें भीड़ भड़का, तो हम सोचे इसको कि खेला चिल्लाई चलनी नहीं चलनी, तो फिर हम एक गोड़ पकड़ी उठा चाँद पकड़ी हमारे पड़ाक से आए हुआ मार के। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार और भागलपुर नगर निगम के लाख दावे के बावजूद शहर में जगह जगह सड़कों और नालों के समीप जल जमाव की समस्या कम होती नहीं दिखाई दे रही है। हाल यह है कि सीजन की हल्की सी बारिश में ही जल जमाव के कारण सड़क और गलियां गंदे पानी से भर जाती है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक और जहाँ बारिश के बाद भागलपुर भोलानाथ पुल जल जमाव के कारण लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। वहीं ताजा मामला भागलपुर के खंजरपुर बाट संख्या 24 स्थित शोभरात्रि मोमिन लेन का है, जहां रविवार को हुई हल्की बारिश के बाद नाला का पानी सड़कों पर आ गया, जिससे यहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल ये समस्या हमेशा की है, जब बारिश होने के बाद जाम पड़े छोटे नाला का कूड़ा कचरा सड़कों पर बहने लगता है, जबकि गली में कूड़ा कभी अंबार लगा रहता है। वहीं इसको लेकर स्थानीय निवासी और दुकानदार सजी अंसारी ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से यह समस्या है और दुकान के
के पास ही नाला का पानी कचरा बहने के कारण उन्हें खुद ही इसकी सफाई करनी पड़ती है, जबकि नगर निगम कर्मी अक्सर साफ सफाई करने के बाद दूसरे दिन पहुंचते हैं और खाना पूर्ति कर वापस चले जाते हैं। संजय अंसारी ने कहा कि वार्ड पार्षद फिरोजा यास्मीन हो या नगर निगम के कोई अन्य अधिकारी, सभी इस समस्या पर लापरवाह बने हुए हैं। समस्या क्या है, हल थोड़ा बारिश होता है बस यहाँ नाला का ऊपर बहाव चलने लगता है और हम लोग 15 साल से अभी तक परेशान हैं। ये मेरा किराना स्टोर है, इसके वजह से हमको करना पड़ता है हमेशा साफ, और नगर निगम वाला आता है तो कल आएगा, अभी से कब तक हम लोग रहें ऐसे। वार्ड पार्षद का आदमी कल को आएगा, मुंह साफ करके निकल जाएगा, बाकी हम लोग को ही करना पड़ता है। और बाकी पीछे देख लीजिए, कूड़ा इतना 2 महीने में एक बार उठता है यहाँ, कब उठता है इसका कोई गारंटी नहीं। भागलपुर चंपानगर स्थित डॉक्टर H.I. फारूक के एडवांस ENT अस्पताल के समीप रविवार को एडवांस इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ हुआ। एडवांस इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन चीफ गेस्ट डॉक्टर H.I. फारूक, डॉक्टर शहाबुद्दीन, डॉक्टर मोइन, डॉक्टर खुर्शीद, डॉक्टर KK शर्मा, डॉक्टर गुजनफर अली और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं चंपानगर इलाके में आधुनिक जाँच सेंटर खोलने पर नाथनगर थाना के SHO सज्जाद हुसैन, समाजसेवी पप्पू यादव, राजू महाराणा, नीलम देवी, हाजी अंसारी समेत कई प्रबुद्ध जनों ने प्रोप्राइटर मोहम्मद नासिर इफ्तिखार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एडवांस इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रोप्राइटर मोहम्मद नासिर ने बताया कि एक ही छत के नीचे हमने मरीजों को कई तरह के जांच की सुविधा देने का प्रयास किया है। उन्होंने जानकारी दी कि AIDC में आधुनिक मशीन से अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे किया जाएगा, साथ ही मरीज यहां से संपर्क कर घर पर भी ECG करा सकते हैं। नासिर इफ्तिखार ने कहा कि एडवांस इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में होम कलेक्शन के साथ अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डॉपलर अध्ययन, डॉक्टर OPD और मेडिकल स्टोर समेत कई सुविधा है। अतिथियों ने कहा कि क्षेत्र वासियों के लिए यह सेंटर वरदान साबित होगा, क्योंकि इस डायग्नोस्टिक सेंटर में अब कम रेट पर लोग अपने सभी जरूरी टेस्ट आसानी से करवा सकते हैं। हमने चंपानगर में एडवांस इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें कि हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है पेशेंट्स के लिए। हमारा पहला फैसिलिटी है अल्ट्रासाउंड, दूसरा फैसिलिटी है एक्सरे, तीसरा पैथ लैब, चौथा ECG। हमारे इस सेंटर पे क्या है कि हमने सारे ही डायग्नोस्टिक से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स है, जैसे पैथोलॉजी में हमारा क्लिनिकल इक्विपमेंट्स, हमने डिजिटल क्लिनिकल इक्विपमेंट्स लगाए हैं, अल्ट्रासाउंड हमारा डिजिटल है और डिजिटल एक्सरे भी है हमारे पास। बेसिकली आपको एक छत के नीचे पूरा आपको सारा का सारा सारे फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को यहीं पे मिलेंगे। और दूसरा हमारा ये है कि हमारे पास पेशेंट के वेटिंग एरिया के लिए जगह है, पेशेंट के लिए OT के लिए जगह है, हमारा अपना फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है, हमारा एक बहुत ही अच्छा रिसेप्शन भी है। तो पेशेंट्स को आएंगे, बेसिकली होता ये है कि हमारे एरिया से जब पेशेंट बाहर जाते हैं, बेसिकली उनको अल्ट्रासाउंड जब कराना होता है या एक्सरे कराना होता है, तो एक्चुअली बहुत दूर जाना पड़ता है। हमारे गांव के जितने मित्र होते हैं या फिर पेशेंट्स हमारे आते हैं, तो इनको हम जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो हमने इस चीज़ को सोचकर अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में हमने डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया है। पीरपैंती सिपूर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंग्लिश मीडियम प्यालापुर स्कूल से छुट्टी के बाद बीते शुक्रवार को ऑटो से अपने घर जा रही छात्रा के घर नहीं पहुंचने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं देर शाम तक छात्रा के घर नहीं पहुंचने पर घर वालों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन छात्रा का कुछ भी पता नहीं चल सका। इसके बारे में प्यालापुर चौक स्थित एक दुकानदार ने बताया कि उसने स्कूल ड्रेस में छात्रा को ऑटो पर जाते देखा था और वह ऑटो चालक को भी पहचानता है। इसके बाद घर वालों की चिंता और बढ़ गई और रिफातपुर निवासी छात्रा के पिता राजेश कुमार दास ने इसको लेकर शिपुर थाने में छात्रा के अपहरण का मामला दर्ज कराया। पुलिस को दिए गए आवेदन में छात्रा के पिता राजेश कुमार दास ने अपनी पुत्री रिया कुमारी का अपहरण कर कमलेश्वरी मंडल के पुत्र ऑटो चालक टकरू मंडल उर्फ प्रवीण मंडल द्वारा कहीं छिपा देने की बात कही है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही शिपुर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी और ASI रोहित कुमार दलवल के साथ आरोपी चालक के घर छापेमारी करने पहुंचे। वहीं घटना
के दूसरे दिन शनिवार को दिन के 11 बजे पुलिस ने अपहृत छात्रा को लक्ष्मीपुर से बरामद कर लिया। बांका के धोरैया प्रखंड परिसर के उच्च विद्यालय धोरैया में जीविका द्वारा आयोजित रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का शुभारंभ बांका DM अंशुल कुमार ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने रोजगार मेले में जीविका द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को लेकर रोजगार सह मार्गदर्शन मेला के आयोजन को क्षेत्र के युवा के लिए सुनहरा अवसर बताया। साथ ही DM ने जीविका द्वारा चलाए जा रहे कार्यों को जिले के विकास के लिए मील का पत्थर बताते हुए जीविका दीदी कैडर जीविका कर्मी प्रखंड एवं जिला स्तरीय विषयगत प्रबंधकों के कार्यों की सराहना की। इधर रोजगार प्रबंधक सतीश कुमार ने बताया कि रोजगार मेले से पूर्व 3 दिन कौशल रथ के माध्यम से विभिन्न पंचायतों वार्डों तथा सभी स्वयं सहायता समूह के ग्रुपों में प्रचार प्रसार किया गया, जबकि इस रोजगार मेला में 743 युवाओं ने प्रत्यक्ष आवेदन दिया। मौके पर धोरैया प्रखंड प्रमुख रंजू देवी, प्रखंड उप प्रमुख बीबी जुवेदा खातून, गैर कृषि प्रबंधक श्याम सुंदर भगत, सूक्ष्म वित्त प्रबंधक राकेश कुमार पांडे समेत कई अधिकारी और काफी संख्या में जीविका दीदी और ग्रामीण मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पुलिस ने 2 लूटकांड का किया उद्भेदन, 4 गिरफ्तार, हथियार और लूट का रुपया बरामद। बांका में वज्रपात की चपेट में आने से पटवन करने गए व्यक्ति की हुई मौत, 2 घायल, हालत गंभीर। शाहजंगी में हुई सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक, 100 से अधिक अखाड़ों की व्यवस्था को लेकर उठे सवाल। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर शहर की सड़कों पर दिखा कांवरिया का सैलाब, बोलबम किनारों से गूंजता रहा कांवरिया मार्ग। और पति से हुए विवाद के बाद महिला ने सल्फास खाकर दी जान, अस्पताल में शव छोड़कर भागे परिजन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।